हेलो गाइस, नाउ यू विल लर्न इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर एंड दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सिस्टम है दो चार्ज का, जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट नेचर का दोनों चार्ज होता है और कुछ दूरी से उन लोग सेपरेट रहता है। अपोजिट नेचर मतलब क्या हुआ, एक प्लस की है तो एक माइनस की, दोनों अपोजिट नेचर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल है, तो इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 2L जो है वो डायपोल लेंथ है, यहाँ पे 2L जो है डायपोल लेंथ है, और ये मिड पॉइंट जो होता है उसको सेंटर ऑफ डायपोल कहा जाता है। गाइस एक पॉइंट और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दोनों अपोजिट नेचर का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन गाइस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैंसिल आउट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और गाइस यहाँ पे डायपोल मोमेंट पी वेक्टर से डिनोट किया गया है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज ऑफ ए डायपोल। ये बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट होता है चार्ज और उसका डिस्टेंस ऑफ डायपोल का, दोनों का प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू डिस्टेंस 2L। 2L जो कि डायपोल का डायपोल लेंथ है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे डायपोल लेंथ ये है 2L, ये होता है तो पी बराबर क्यू इंटू 2L। तो ये क्या हो गया, डायपोल मोमेंट ये होता है। तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन होता है निगेटिव से, मतलब कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है इसका डायरेक्शन, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है इसका डायरेक्शन चार्ज का, इस डायरेक्शन टेकन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज ए वैक्टर क्वांटिटी, वैक्टर क्वांटिटी हमेशा याद रखिएगा, डायपोल मोमेंट होता है वो वैक्टर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर, ऐसा यूनिट कूलम मीटर कैसे होता है, चार्ज का क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और 2L है कि जो कि एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होता है ऐसा यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर। इसका डायमेंशन क्या होता है, LTA कैसे हुआ, चार्ज का डायमेंशन होता है AT और डिस्टेंस का मीटर, जो कि डायमेंशन में इसको डिनोट L से किया जाता है, तो यानी कि LTA। तो गाइस इसका डायमेंशन होता है LTA। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज स्टडी 1575। थैंक यू गाइस।